Welcome to Al Hadi Foundation School. कि अब हम देखने जा रहे हैं, हमने पिछले चैप्टर में हमने पिछले टॉपिक्स में देखा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों की कैसे किस तरह से लिखते हैं। अब हम अगला टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ एटॉमिक मास एंड द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। यानी कि एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो, और उस वो जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस एटम के एटॉमिक मास जो है उन दोनों को जो सम होगा वो क्या होगा, वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये कहा जाता है के आपके पास है वाटर का मॉलिक्यूल H2O, इसका हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं इस 2 के साथ, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 16। नाउ 2 प्लस 16 द आंसर इज 18। अब ये 18 हमारे पास है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह हम बाकी तमाम एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालें CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का है 16। अब ऑक्सीजन के हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 प्लस 32, आंसर हमारे पास है 44। अब ये जो हमारे पास आया है मॉलिक्यूलर मास, इस मॉलिक्यूलर मास को हम लिखते हैं हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में। अब नीचे हमारे पास एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर हमें नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। HNO3, हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन हमारे पास है 14 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 1 प्लस 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर हमारे पास आ गया है 63 AMU, विच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। कुछ आइंस जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके फार्मूला यूनिट्स में, जो कि उसका फार्मूला मास कहलाता है। अब फार्मूला मास जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फार्मूला मास जो होता है उसके लिए हम चल एग्जांपल लेते हैं K2SO4, जहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम वो हमारे पास है 39 और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2 प्लस S। सल्फर जो है उसका एटॉमिक मास हमारे पास है 32 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास है 16 जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ। तो आंसर हमारे पास क्या, 39 प्लस 2 78 प्लस 32 प्लस 64, द आंसर इज 174 AMU। ये हमारे पास आ गया K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला मास।
अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे पास है केमिकल स्पीशीज, जिसमें हम आज देखेंगे आइंस के। आइंस क्या होते हैं, आइंस कैसे बनते हैं। आइंस एटम का वो ग्रुप है या ऐसे एटम हैं जिनको हम चार्ज स्पीशी कहते हैं, जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। इनके नेम्स होते हैं, इन्हें हम कैटाइन्स कहेंगे या एनाइन कहेंगे। अब कैटाइन क्या होगा और एनाइन क्या होगा, वो एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज एटम जो है हमारे पास वो कैटाइन कहलाएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज एटम हमारे पास एनाइन कहलाएगा। जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं कि वो डोनेट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन को लें तो हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये इजीली डोनेट कर सकता है। तो इसलिए जब वो दे देता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह सोडियम होता है तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो एक कैटाइन बन जाता है। अगर हम नेगेटिव आइंस की बात करें तो वो गेन करते हैं, वो लेते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का आखिरी जो शेल है उसमें उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कैटाइन से लेता है और अपना शेल कंप्लीट करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एक एनाइन बन जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन है तो उसको भी आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे कैटाइन से लेता है और अपने शेल को कंप्लीट कर देता है, तो उसके ऊपर टू नेगेटिव यानी कि दो माइनस का चार्ज टू नेगेटिव आता है चार्ज, जो कि उसको एनाइन बना देता है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस है, तो एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है, जबकि आयन जो है वो आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, जबकि आयन जो है वो या तो नेगेटिव चार्ज रखता है या पॉजिटिव चार्ज रखता है।